फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े फिल्म क्रिटिक ने द कश्मीर फाइल्स की तुलना उस फिल्म से कर दी है जिस फिल्म ने शोले के और दीवार के भी घुटने टिका दिए थे। अगर 1975 में सबसे बड़ी फिल्में शोले और दीवार रही तो इस फिल्म की भी चर्चा खूब रही, क्योंकि इस फिल्म में ना बड़ा स्टार था ना ही उतना बड़ा बजट था, तब भी ये फिल्म कल्ट साबित हुई। जहाँ उस टाइम पर शोले के लिए और दीवार के लिए लाइनें लगी थी और भीड़ उमड़ी थी, वहीं इस फिल्म ने अलग ही झंडे गाड़ दिए थे। बैलगाड़ियों में भर भर कर गांव से लोग शहर की तरफ पहुंचे थे इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए, और थिएटर्स में माहौल अलग ही था। ये फिल्म थी जय संतोषी माँ। 1975 जो एरा हमारे बॉलीवुड में गैंगस्टर या डॉन वाली फिल्मों का था, उसी टाइम में ये फिल्म माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट पर रिलीज की गई। कम बजट की फिल्म थी, ज़्यादा पॉपुलर फेस भी नहीं थे, फिल्म के ठीक ठाक चलने के चांसेस थे, लेकिन इस फिल्म को ऑडियंस ऐसा प्यार देगी ये किसी ने नहीं सोचा था। जय संतोषी माँ फिल्म को देखने के लिए गाँव से भीड़ उमड़ती थी शहरों में, बैलगाड़ियों में भर भर कर लोग यहाँ पहुँचते थे। थिएटर के अंदर जितनी भीड़ हुआ करती थी उतनी ही भीड़ थिएटर के बाहर हुआ करती थी। थिएटर्स को मंदिर की तरह माना जाने लगा, लोग चप्पलें बाहर खोलकर थिएटर में जाते थे, और जब संतोषी माँ का गाना चलता था आरती उतारू संतोषी माता की, तब लोगों ने स्क्रीन्स पर कॉइन फ्लावर्स चावल के दानों की बरसात की थी। पूजा का माहौल थिएटर में था, और कई सारे थिएटर ओनर्स ने अपने थिएटर के बाहर डोनेशन बॉक्स तक रखवा दिए थे। थिएटर को एक मंदिर का रूप दे दिया गया था। इनफैक्ट बात करें मुंबई के बांद्रा की, जहाँ पर एक अलीट कैटेगरी रहती है और वो स्पिरिचुअल होते हैं, वो रिलीजियस नहीं होते हैं लोग, वहाँ पर इस तरह की माइथोलॉजिकल फिल्में चलती नहीं हैं और कम ही लगती हैं। तब बांद्रा के अलीट थिएटर्स में इस फिल्म को 50 से भी ज़्यादा दिनों के लिए चलाया गया था। ये झंडे गाड़े थे जय संतोषी माँ फिल्म ने। और इसी फिल्म का जिक्र करते हुए तरण आदर्श ने कहा है कि या तो ऐसी कल्ट मैंने जय संतोषी माँ को होते देखा था जो शोले के साथ ही रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने कल्ट स्टेटस हासिल किया था, और आज वैसा ही कल्ट स्टेटस मैं देख रहा हूँ कि द कश्मीर फाइल्स का बन गया है। फिल्म के रिलीज़ होने के 8वें दिन तक बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन में उछाल आ रही है और आने वाले समय में और उछाल आने वाली है। महज 15 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म ने 100 करोड़ तो पूरे कर लिए हैं और अब 150 की तरफ चल पड़ी है। और जिस तरीके से शोले के साथ जय संतोषी माँ ने टक्कर ली, वैसी ही टक्कर आज कश्मीर फाइल्स जैसे छोटे बजट की फिल्म बच्चन पांडे से ले रही है और आने वाले समय में RRR से भी लेगी। रिपोर्ट्स आ चुकी है कि किस तरह से कश्मीर फाइल्स के कारण बच्चन पांडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इफेक्ट हुआ है, और उम्मीद से कम रहा कलेक्शन अक्षय कुमार की इस बड़ी फिल्म का।